हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आइज अरीफ। आज के इस वीडियो में बात करेंगे आयोडोमेट्री। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी आयोडीमेट्री। आयोडीमेट्री में हमने कहा था आयोडीन का हमने डायरेक्ट यूज करना है। डायरेक्ट यूज करके आप किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की कंसेंट्रेशन को मालूम कर सकते हैं, क्योंकि Ia2 एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आयोडीन कि जो मॉलिक्यूल होता है वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है। लेकिन आयोडीमेट्री और चीज है, आयोडोमेट्री और चीज है। आज जो हमने डिस्कस करनी है वो है आयोडोमेट्री। सिर्फ और सिर्फ एक स्पेलिंग की चेंज है, वहां पे आई आ रहा है, आईडी डी के बाद आई, जहां पे डी के बाद वो आ रहा है। सिर्फ एक स्पेलिंग का चेंज है, दोनों के दोनों टेक्निक बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। आयोडोमेट्री एक अलग टेक्निक है, आयोडीमेट्री एक अलग टेक्निक है। ये बात आपने अच्छे तरीके से ध्यान में रख लेनी। अब इस टेक्निक में ये बिल्कुल उसका तकरीबन तकरीबन थोड़ा सा सेम भी कह सकते हैं, उसका बिल्कुल ऑपोजिट भी कह सकते हैं। जो आपको ध्यान में लगे आप उसी तरीके से ध्यान में रख सकते हैं। तरीका का पूरे को पूरा पढ़ लेंगे। अगर आपको आयोडीमेट्री करनी पड़ जाए या आयोडोमेट्री करनी पड़ जाए तो आप कौन से प्रोसेस से, कौन से तरीकाकार से देख सकते हैं। मैं साथ साथ में दोनों का डिफरेंस बताता जाऊंगा, वो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। जब मैं इसकी कोई भी चीज बताऊंगा कि इसको हम किस चीज के लिए, इसका एम क्या होता है, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या होती है, मैं साथ में उसका बता दूंगा वहां पर हमने क्या पढ़ा था। फिर स्टार्ट करते हैं। यहां पे आपने वर्ड देखना, आयोडो मतलब आयोडीन किसी ना किसी तरीके से यहां पे यूज होने वाली है, एक बात तो कन्फर्म है। आयोडीन का इस्तेमाल यहां पे लाजमी है। और यहां पे एक बात याद रखनी है, आयोडाइड आयन यूज किया जाता है, आयोडाइड आयन यूज किया जाता है, और आयोडाइड आयन हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये बात पहले नंबर पर आपने याद रखनी है, आयोडाइड के मैं आगे ये इसका साइन भी लिख देता हूं, आयन एक्टिव। आयोडाइड आयन इज यूज्ड एज अ सॉल्यूशन या इन द सॉल्यूशन, यूज्ड इन द सॉल्यूशन। अच्छा, अब आयोडाइड आयन को आप लेते कहां से? ये बात तो कन्फर्म है कि आयोडाइड आयन अकेला एग्जिस्ट कर ही नहीं पाता, इसलिए हम इसका साल्ट लेते हैं, पोटाशियम आयोडाइड। जब आप पोटाशियम आयोडाइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, के आई का एक्वा सॉल्यूशन बना लें, ए क्यू, जैसे इसका एक्वा सॉल्यूशन बनता है हमारे पास के पॉजिटिव बन जाता है और साथ में आई नेगेटिव बन जाए। और ये जो आयोडाइड आयन है, ये बात आपने अच्छे तरीके से जहन में बिठा लेनी है, आयोडाइड आयन, आयोडाइड आयन जो है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल बात कहूंगा, रिड्यूसिंग एजेंट, अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखता है। ये क्या है? हैव एबिलिटी, हैव, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये होता है, हैव एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टू लूज इलेक्ट्रॉन। ये जो आयोडाइड आयन है ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखता है। मतलब किस तरह लूज करने की सलाहियत रखेगा? अगर हमारे पास टू आयोडाइड आयन को मिलाया जाए तो हमारे पास आयोडीन गैस बनेगी या मॉलिक्यूल बनेगा, और साथ में हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। सही, यानी आयोडीन बन रही है और साथ में दो इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है, इसलिए हमने इसको कहा है कि यह क्या चीज है, रिड्यूसिंग एजेंट है। किसी भी दूसरी चीज को रिड्यूस कर सकती है, रिड्यूस का मतलब यह है कि उसको इलेक्ट्रॉन दे सकती है, प्रोवाइड कर सकती है। पहली बात आपने ज़हन में याद रखी। अच्छा, बात कर रहे थे रिडॉक्स टाइट्रेशन, ये भी बात याद रखिए, ये सारे के सारे लेक्चर्स जो भी हैं ये रिडॉक्स टाइट्रेशन के हवाले से हैं। और रिडॉक्स टाइट्रेशन में हमने कहा था कि अगर एक चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरी चीज रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी अगर आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो एनालाइट होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रिड्यूसिंग एजेंट है तो एनालाइट
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब यहाँ पे हमें एक बात तो पता चल गई है, जो हमने चीज लेनी है शुरू में वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसका ऑब्जेक्टिव इस रिएक्शन का क्या होगा, तब किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट का यहाँ पे इस्तेमाल कर, देख ले रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करके किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कंसेंट्रेशन को मालूम कर सकते हैं, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कंसेंट्रेशन को मालूम कर सकते हैं आयोडोमेट्री से। अगर बात की आयोडीमेट्री की तो वहां पे हम रिड्यूसिंग एजेंट की कंसेंट्रेशन मालूम कर रहे थे, लेकिन यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कंसेंट्रेशन मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। ये बात आपने याद रखनी, ऑब्जेक्टिव और एम इस रिएक्शन का क्या है, ऑब्जेक्टिव और या फिर आप इसको कह सकते हैं एम। इसका मकसद क्या है इस रिएक्शन का, बाय यूजिंग आयोडाइडाइन, बाय यूजिंग आई नेगेटिव आयन। अब यहां पे आई नेगेटिव आयन किस चीज के तौर पे काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये ब्रैकेट में मैंने लिख दिया। बाय यूजिंग आयोडाइड आयन वी कैन, हम मालूम कर सकते, वी कैन डिटरमाइन, वी कैन डिटरमाइन द कंसेंट्रेशन ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यह है इसका ऑब्जेक्टिव कि आप आयोडाइड आयन को इस्तेमाल करके किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कंसेंट्रेशन को मालूम कर सकते हैं। सही है, ये तरीका कर आपने याद रखना है कि यहाँ पे आयोडाइड आयन को यूज किया जाता है, वहां पे आयोडीन को यूज किया जाता है आयोडीमेट्री। और इसका ऑब्जेक्टिव, उसका ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा था कि वहां पे किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कंसेंट्रेशन को मालूम कर, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट की, यहाँ पे किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कंसेंट्रेशन को मालूम कराएगा। ये दो बातें यहाँ पे डिफरेंस आ गई एक दूसरे से। अब इसके स्टेप्स देख लेते हैं, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और इसमें कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हम लिख सकते हैं। चलो मैं आप पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं, बाद में स्टेप्स की तरफ आते हैं, बाद में देखेंगे कि हम अगर आयोडोमेट्री करनी पड़ जाए तो हम कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे और आयोडोमेट्री करने के। चलिए एग्जाम्पल सबसे पहले देखते हैं। एग्जाम्पल्स में आप किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इसके साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। एग्जाम्पल्स में आप जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें, मेरे पास ये वाली चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या आपने KMnO4 पढ़ा हुआ, उसमें जो MnO4 आयन होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिस तरह Cr2O7 यहां पे ये वाली चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसी तरह कॉपर +2 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर मैं इसमें आयोडाइड आयन डालता हूं तो हमारे पास ये वाली चीजें बनना शुरू हो जाती है। आयोडाइड आयन सब में डाल दिए, इक्वेशन में भी ये वाली बैलेंस ना हो, लेकिन हमने जो चीज मेन फोकस करनी है वो देखेंगे। ये क्या करता है कि इस मैगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +2 में चले जाते हैं और यहां पे आयोडाइड आयन जो है वो आयोडीन में चेंज हो रहा है। सेम काम यहां पे होता है क्रोमियम +2 और साथ में आयोडीन गैस, यहां आयोडीन मॉलिक्यूल बन रहा है। यहां पे क्या होता है, सेम काम, यहां भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाएगी कॉपर प्लस और यहां पे भी I2। अब ये जो I2 हर एक रिएक्शन में बन रही है, यहां पे ये वाली I2 जो बन रही है हर एक रिएक्शन में, इसको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। इसको हम चंद एक नाम देते हैं, सबसे पहले हम कहेंगे इसको लाइब्रेटेड आयोडीन, लाइब्रेटेड I2, या फिर आप इसको और भी कहते हैं इनडायरेक्ट आयोडीन, इनडायरेक्ट आयोडीन। अच्छा, ये दो नाम हम इसके इस्तेमाल करते हैं, इनडायरेक्ट आयोडीन या फिर लाइब्रेटेड आयोडीन। इनडायरेक्ट क्यों कह रहे हैं, देखिए हमने सॉल्यूशन में शुरू में जब यूज किया था आयोडाइड आयन यूज किया था, लेकिन बाद में बन कौन सी चीज रही है, I2 एंड I2। अब स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो देख लेते हैं, उससे आपको इस एग्जाम्पल के अच्छे तरीके समझ आ जाएगी इसमें आपने करना क्या होता है। कि इसके बाद भी एक और स्टेप आता है, लेकिन उसका अगर इसके बाद लिख दूंगा रिएक्शन तो आपको कुछ भी नहीं पता पड़ेगा, इसे कोशिश करें पे स्टेप्स देख लें। अब स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं इसमें उनकी बात करते हैं। स्टेप्स, सबसे पहली बात कि एक डायग्राम बना लेते हैं यहां पे एक साइड पर करके,
जब भी टाइट्रेशन करते हैं हमारे पास सबसे पहले नंबर पे एक ब्यूरेट होगी, ये हमारे पास ब्यूरेट। यहाँ पे स्टॉपर लगा होता है जो कि इसमें जो भी केमिकल होगा उसके फ्लो को कंट्रोल करेगा। और इसके नीचे हमने कोई भी कॉनिकल फ्लास्क रखी होती है, ये मेरे पास आ गई कॉनिकल फ्लास्क, और इसको सारे को एडजस्ट किया होता है स्टैंड के साथ। सही हो गया, ये मैंने स्टैंड के साथ इसको अटैच किया हुआ है। अब होता यह है कि एक सॉल्यूशन मैंने यहां पे लेना होता है और बाकी सॉल्यूशन मैंने यहां पे लेना होता है। अब करना क्या है, स्टेप्स को सीखते जाइएगा, बाद में लिख भी लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहला काम, आपने पोटाशियम आयोडाइड को एक्सेस में यूज करना है। जो भी एनालाइट आपने, जो भी एनालाइट होगा, एनालाइट का मतलब यह है कि जो चीज आपने मालूम करनी, जिस चीज की आप कंसंट्रेशन मालूम करना चाहते हैं, जो चीज एग्जामिनर आपको प्रोवाइड करेगा कि इसकी कंसंट्रेशन हमें मालूम कर दे, वो आपने सबसे पहले लेके कॉनिकल फ्लास्क में डाल देना। ये है हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क, आपने वो चीज लेनी है, लेने के बाद आपने उसको कॉनिकल फ्लास्क में डाल देना। और ये बात याद रखिएगा, मैंने हमेशा यहां पर ऑटोमेट्रिक आदत, यहां पर जो भी चीज लेंगे वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं इसकी कंसंट्रेशन मालूम करना चाहता हूं, ये मेरे पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चले जी, मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कंसंट्रेशन मालूम करना चाहता हूं, उसको मैंने ले लिया कहां पे, कॉनिकल फ्लास्क में। अब आपने करने के एक्सेस में पोटाशियम आयोडाइड को डाल देना है। क्या है ये वाला सॉल्यूशन आपने बनाना है, प्रिपेयर करना है, और इसको इसमें काफी ज्यादा मिकदार में, और मेजर करके नहीं डालना, जितना मिकदार में मैक्सिमम हो सके आपने इसको बिल्कुल फिल कर देना है। इसके अंदर पोटाशियम आयोडाइड को फिल कर देना। अब यहां पे सेकंड स्टेप में, पहले स्टेप में आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सॉल्यूशन ले रहा है कॉनिकल फ्लास्क में, सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि आपने के आई का जो सॉल्यूशन होगा लेना है किसमें, इन एक्सेस। सही है, ये सेकंड स्टेप होगा। इसके बाद थर्ड स्टेप में होता है कि आपने यहां पे जब जैसे ये दो चीजें रिएक्ट करती हैं, रिएक्ट करने के बाद I2 बनती है, जिसको हमने देखा यहां पे आयोडीन, आयोडाइड आयन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों के दोनों रिएक्शन हो रहा है, और यहां पे आयोडीन मॉलिक्यूल बन रहा है। सेम काम यहां पे हो रहा है, आयोडीन मॉलिक्यूल सेम काम यहां पे हो रहा है कि आयोडाइड आयन और साथ में हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट करने के बाद हमारे पास आयोडीन पैदा होगा। जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और KI का सॉल्यूशन रिएक्ट करने के बाद आयोडीन मॉलिक्यूल पैदा होगा। अब इस आयोडीन मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन मालूम करनी होती है असल में। अगर आप इसकी कंसंट्रेशन मालूम कर लेते हैं किसी तरीके से, तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ऑटोमेटिकली ही पता चल जाएगी कि कितना मिकदार में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मौजूद है। अब इसकी कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं यहां पर, और ये बात याद रखिएगा, यहां पे आपने किस चीज का सॉल्यूशन लेना है, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि ये वाली चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगी, और यहां पे आपने कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट का सॉल्यूशन ले लेना। यहां पे क्या करना है, आपने रिड्यूसिंग एजेंट का सॉल्यूशन ले लेना है। अब रिड्यूसिंग एजेंट जो कॉमनली हम इस्तेमाल कर देते हैं वो होता है सोडियम थायोसल्फेट, Na2S2O3, सोडियम थायोसल्फेट, उसको सॉल्यूशन आपने यहां पे ले लेना है। उसको आपने ऐसा ऐसा यहां से गिराना है, गिराने के बाद जैसे एंड पॉइंट आएगा यहां पे, नेक्स्ट काम ये करना होता है इंडिकेटर को लोगों को डालना होता है। इंडिकेटर हम यहां पे यूज करते हैं स्टार्च से, अभी मैं भी वो कॉम्प्लीकेटेड थोड़ा सा हो गया, लेकिन स्टेप बाय स्टेप यहां पे लिखते हैं, लिखने के बाद आपको इजिली पता चल जाएगा कौन कौन सा स्टेप हम पहले करेंगे, बाद में कौन सा करना है, बाद में कौन सा, ये स्टेप बाय स्टेप करना होता है। अगर आप एक स्टेप को आगे पीछे करेंगे तो आपकी टाइट्रेशन बिल्कुल करने का फायदा नहीं होगा, आंसर आपका रॉन्ग है। चलिए आप देखते हैं स्टेप्स की, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें याद आकर, बाद में स्टेप्स के बारे में देखते हैं हम। चले
अगर स्टेप्स की बात की जाए, सबसे पहला स्टेप जो है वो आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की कंसेंट्रेशन को मालूम कर सकते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन से। अब यहाँ पे जो हमने लिया हुआ है आयोडाइड वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कंसेंट्रेशन आप मालूम करना चाहते हैं। तो पहला स्टेप आपने ये करना है कि पहले स्टेप्स में आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सॉल्यूशन लेना है कॉनिकल फ्लास्क में। टेक द सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सॉल्यूशन ले लेना इन कॉनिकल फ्लास्क में, पहला काम। सेकेंड नंबर पे आपने पोटाशियम आयोडाइड को डालना है एक्सेस में, पोटाशियम आयोडाइड को एक्सेस में डाल देना है, एड पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इन एक्सेस। अच्छा, क्या एक सॉल्यूशन डालेंगे तो ये एक बात याद आपने, ये अंडरस्टूड बात होती है, जैसे ये आयोनाइज होगा तो हमारे पास के पॉजिटिव और साथ में आई नेगेटिव, यहां पे आयोडाइड आयन पैदा हो रहा है जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है। सेकंड काम हो गया। अब थर्ड काम, यहां पे ये काम हो रहा था कि हमने यहां पे जैसे लिखा था आयोडीन पैदा हो रही है, वो जो आयोडीन मॉलिक्यूल पैदा हो रहा है उसकी कंसेंट्रेशन आपने मालूम कर ली। यहां पे रिएक्शन एक लिख लेते हैं, मैं कहता हूं मैंने MnO4- का रिएक्शन करवा दिया आयोडाइड आयन से, और ये वाली चीज चेंज हो जाती है Mn+2 में और साथ में आयोडीन। ये जो लाइब्रेटेड आयोडीन है इसको हम कॉमनली कहते हैं लाइब्रेटेड आयोडीन। जो लाइब्रेटेड आयोडीन है जो कि इसमें से पैदा हुई है उसकी कंसेंट्रेशन आप मालूम करनी है। मेन मकसद हमारा यही है कि हमने लाइब्रेटेड आयोडीन की कंसेंट्रेशन मालूम करें। चलिए जी, इसकी कंसेंट्रेशन मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थर्ड स्टेप में जैसे आपने ये दो सॉल्यूशन मिलाए, मिलाने के बाद थर्ड स्टेप में कोई भी इंडिकेटर यूज करना है। नाउ एड फ्यू ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर। अब इंडिकेटर जो अमूमन इस्तेमाल करते हैं वो होता है स्टार्च इंडिकेटर, ब्रैकेट में लिखना है स्टार्च, सही है। अब यहां पे जो आयोडीन पैदा हो रही है ये क्या करती है, स्टार्च के इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करती है I2 और ये कॉम्प्लेक्स बना लेती है स्टार्च के साथ कॉम्प्लेक्स बनाती है और इसका कलर हमारे पास ब्लू आना शुरू हो जाता है। जैसे आप इंडिकेटर इसके अंदर ऐड करते हैं ना, दो चीजों को मिलाने के बाद जैसे इंडिकेटर स्टार्च सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो कलर ब्लू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। ये बात आपने ध्यान रखी। अब यहां पे कलर ब्लू होना शुरू हो गया। अब हम मालूम हमारा अब यहां तक जो आगे का मेन मकसद है वो ये है कि हम किसी तरीके से इस लाइब्रेटेड आयोडीन की कंसेंट्रेशन मालूम करें। अब आयोडीन, ये वाली आयोडीन जो होती है ये काम कर रही होती है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये वाली चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कर रही है तो मैं यहां पर कौन सा सॉल्यूशन लूंगा, ये हमारे अंडरस्टूड बात है कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट का। अब आपने ब्यूरेट के अंदर किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट का सॉल्यूशन लिया। नेक्स्ट काम क्या है, टेक द सॉल्यूशन ऑफ, आपने सॉल्यूशन लेना है सॉल्यूशन ऑफ एनी रिड्यूसिंग एजेंट इन किसमें आपने लेना है, ब्यूरेट में, सही है। अब यहां पे कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट का, यहां मैंने वर्ड लिखा है रिड्यूसिंग एजेंट, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट का अमूमन जो हम इस्तेमाल करते हैं वह है सोडियम Na2S2O7 और या फिर इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं S3, यहां पे 3 है, सही। ये हमारे पास दोनों के रिप्रेजेंटेशन, सोडियम थायोसल्फेट या फिर सिंपल थायोसल्फेट का आयन भी आप लिख सकते हैं।
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि आपने ये जो सॉल्यूशन लिया है सोडियम थायोसल्फेट का, इसको यहाँ स्टॉपर ऑन करना है। स्टॉपर को ऑन करने के बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें गिरने देना, ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें आने देना। फिर जैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप आएगा तो क्या होगा, नाउ ओपन द स्टॉपर, ओपन द स्टॉपर, आपने स्टॉपर को ओपन कर देना है स्टॉपर, एंड एड द S2O3 थायोसल्फेट आयन का सॉल्यूशन आपने डाल देना है, S2O3 आयन सॉल्यूशन इन कॉनिकल फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क। कि आपने यहां से स्टॉपर को ओपन करना है, ओपन करने के बाद रिड्यूसिंग एजेंट के जो सॉल्यूशन है ब्यूरेट के अंदर उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप इस कॉनिकल फ्लास्क में डालना है। डालने के फौरन बाद जो रिएक्शन होगा वो कुछ इस तरह होगा, क्योंकि यहां पर हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम थायोसल्फाइड लेते हैं और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पे जो आयोडीन, यहाँ पे हाइड्रेटेड आयोडीन है, इन दोनों के दरमियान में रिएक्शन होता है, यानी इसके दरमियान में और इसके दरमियान, इन दोनों के दरमियान में रिएक्शन होता है। रिएक्शन होने के बाद हमारे पास ये वाली चीजें बन जाती हैं। अब यहाँ पे S2O3 थायोसल्फेट रिएक्ट करता है, रिएक्ट किस चीज से, आयोडीन से, और हमारे पास ये वाली चीजें बन जाती हैं, 2-iodide आयन बन जाएंगे और साथ में ये चीज चेंज हो जाएगी S4O6-2 में। सही है, ये वाला काम हुआ है। ये सोडियम थायोसल्फेट जो हमने यहां पे लिया हुआ है, इसका जो थायोसल्फेट आयन है ये क्या हो जाता है, इस चीज में चेंज हो जाता है, और जो आयोडीन है यहाँ पे इस चीज में चेंज हो रही है, यानी आयोडीन इलेक्ट्रॉन इससे गेन कर रही है और ये आयोडीन यहाँ पे एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रही है, जबकि ये वाली चीज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रही है। अब होता यह है कि जैसे ही एंड पॉइंट, अब आपने याद रखना है यहां पे ये वाली आयोडीन ऐसा ऐसा यूज होती रही, क्योंकि ऊपर से हम सोडियम थायोसल्फेट या थायोसल्फेट आयन का सॉल्यूशन डाले जा रहे हैं, ये वाली चीज ज्यादा ज्यादा होती जा रही है, जिसकी वजह से ये वाली चीज इस चीज के साथ रिएक्ट करती है, रिएक्ट करने के बाद ये वाली चीज इस चीज में चेंज हो रही है। ऐसा ऐसा आयोडीन की कंसेंट्रेशन, जो लाइब्रेटेड आयोडीन थी हमने यहां पे कहा, इसकी कंसेंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी, इसकी कंसेंट्रेशन ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाएगी। जैसे इसकी कंसेंट्रेशन कम होगी तो यहां पे जो स्टार्च के साथ जो सॉल्यूशन है, स्टार्च आयोडाइड आयन का जो सॉल्यूशन था वो ब्लू था, अब इसकी कंसेंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई, इतनी कम हो गई कि ऐसा ऐसा ये सारी की सारी यूज हो जाती है और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्टार्च रह जाती है, और स्टार्च का जो कलर होता है वो कलरलेस, स्टार्च का कोई रंग नहीं होता। तो अब आपको एक चीज की इंफॉर्मेशन होगी होगी कि जैसे एंड पॉइंट आएगा ब्लू कलर कलरलेस में चल जाएगा, ये बात हमने यहां पे लिखनी है, एट द एंड पॉइंट, एट द एंड पॉइंट, एंड पॉइंट पे क्या किया, एट द एंड पॉइंट द ब्लू कलर, ब्लू कलर चेंज इनटू कलरलेस, आपका जो ब्लू कलर होगा वो कलरलेस में तब्दील हो जाएगा। अब यहां तक आपका प्रोसीजर खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद जो चीज आती है वो है कैलकुलेशन, आप किस तरह, किस यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि हमने मालूम करने थे किसकी कंसेंट्रेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, आपने कौन सी चीज यूज की, रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल किया था, आयोडाइड आयन, ये वाली चीज आयोडाइड आयन भी यूज किया, इसको यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कंसेंट्रेशन मालूम कर, ये थी कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन करते किस तरह, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यूज मौजूद है, ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, आपने सबसे पहले रिड्यूसिंग एजेंट से, रिड्यूसिंग एजेंट से कंसेंट्रेशन मालूम करनी है I2 की। फिर जब हमने इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आयोडाइड आयन से रिएक्शन करवाया तो कितनी लाइब्रेटेड आयोडीन पैदा हुई, अब इस लाइब्रेटेड आयोडीन से आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कंसेंट्रेशन मालूम करते, इससे आपने नेक्स्ट क्या करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कंसेंट्रेशन मालूम करनी, ये तीन स्टेप्स हैं कैलकुलेशन के। आपने रिड्यूसिंग एजेंट की कंसेंट्रेशन को यूज करते हुए आयोडाइड आयन की कंसेंट्रेशन मालूम करनी है, फिर आयोडीन, आयोडाइड आयन आयोडीन की, आयोडीन की कंसेंट्रेशन मालूम करेंगे, और उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कंसेंट्रेशन मालूम करेंगे। अब मैं यहां पर दोनों टाइट्रेशन में मेन मेन फर्क बता देता हूं आपको।
कि आयोडीन मैट्री और आयोडोमेट्री में क्या फर्क है। आयोडीन मैट्री में हमने आयोडीन डायरेक्ट यूज की थी, डायरेक्ट किस तरह, वहां पे हमने आयोडीन का सोल्यूशन लिया था, याद होगा। यहां पे हम किस चीज का सोल्यूशन ले रहे हैं, आयोडाइड आयन का। वहां पे जो आयोडीन मैट्री में आयोडीन एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल कर रही थी, हो रही थी, और यहां पे आयोडाइड आयन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल। आयोडीन मैट्री में हम किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की कंसेंट्रेशन मालूम करते थे, जबकि आयोडोमेट्री में हम किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कंसेंट्रेशन मालूम करते। कुछ चीजें सेम भी हैं, वो सेम क्या है कि हम यहां पे क्या कर रहे हैं कि जो एंड पॉइंट आता है वो दोनों टाइट्रेशन का सेम है। आयोडीमेट्री हो या आयोडोमेट्री हो, दोनों टाइट्रेशन का एंड पॉइंट ब्लू से कलरलेस में है, ये चीज दोनों टाइट्रेशन में सेम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिडॉक्स टाइट्रेशन विद पोटाशियम परमैंगनेट। हम पोटाशियम परमैंगनेट को यूज करते हुए किस तरह किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की कंसेंट्रेशन को मालूम कर सकते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ये रहे।